नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया है, क्योंकि चूहे शरारती होता है, बदमाशी होता है और इसके साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। चूहे जो होता है अपने बिल में धान भर के रखे रखती है और पूरे साल इसका उपभोग करती है, यानी कि जब तक ये समाप्त न हो जाए साल भर तक इसका प्रयोग करते ही रहती है। तंत्र शास्त्र में ऐसा बताया जाता है, चूहे का एक स्वरूप छुछुंदर होता है। अगर ये 200 ग्राम के आसपास में है तो तंत्र विद्या के प्रयोग से इससे धन की बारिश भी करते हैं, बहुत से तांत्रिक लोग का ऐसा मानना है। तो आज के हमारा जो वीडियो का विषय है कि चूहे के दांत बनने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, चूहे के दांत हमें क्यों धारण करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। चूहे को मार करके इसका दांत आपको धारण नहीं करना है, मरा हुआ आपको चूहे मिल जाते हैं तब जो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। किसी जीव की हत्या करके पहनने से अगर आप सोच रहे कि आपको लाभ मिलेंगे तो कदापि ऐसा आपको संभव नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को चूहे के दांत पहनने के अनगिनत फायदे बताऊंगा, ये चमत्कारों से भरा होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको चूहे का दांत मिल जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसे साफ एवं स्वच्छ पानी से गंगा जल से धो लेना है और वस्त्र बिछा करके, लाल कलर की वस्त्र बिछा करके आपको चूहे के दांत को स्नान कराना है। इसमें गुलाल, अक्षत, पुष्प, ये सारी चीज आपको चढ़ाना है। इसकी विधि विधान से पूजा करने तो ये जागृत हो जाते हैं और जागृत चीज हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर इससे आपको क्या क्या चमत्कारिक लाभ मिलेंगे इस वीडियो में जानते हैं। तो चांदी की ताबीज में इसे भर करके, इसके जो दांत होते हैं चांदी की ताबीज में इसे अगर आप भर करके पहनते हैं तो हमारे आर्थिक उन्नति होता है, मन प्रसन्न रहता है। जहां पे हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे वहां पे हमें सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं, जहां भी जाए हमें तरक्की मिलना शुरू हो जाते हैं, हमारे किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आती, हमारे हर कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होने लगते हैं। इसके साथ इसके दांत बनने से भगवान गणेश जी हमेशा हमारे साथ देते हैं, यानी कि हर कदम में हमारी जो है सहायता करते हैं और मूसा की दांत पहनने से गुप्त खजाने की भी प्राप्ति होती है। और ऐसा बहुत से तांत्रिक लोगों का मानना है कि 100 मीटर की गहराई तक इसके दांत पहनने वाले व्यक्ति जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं। इसके दांत पहनने से स्वप्न में आ करके या फिर इसके दांत जो होते हैं अगर आप इसे अपने तकिए के नीचे में रखते हैं तो निकट भविष्य में होने वाली घटना की हमें आभास हो जाती है, भूत भविष्य वर्तमान भी आप जो है देख सकते हैं। इसके दांत को पहन करके आप भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके दांत को जल में डुबा करके और फिर सफेद चंदन मिला करके अगर इसका छींटा जो होता है, इसका जो जल है, इसे पूरे घर में छिड़का जाए तो हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होता है और ये दूसरे के धन को ला करके हमारे घर में रखने का भी काम करते हैं चूहे। जी हाँ मित्रों, तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर इसके बिल का मिट्टी मंत्रों से जागृत करके धान के जो ढेर हैं, किसी के घर के धान के ढेर है या फिर जहाँ पे धान का ढेर लगा वहाँ पे फेंक दिया जाए तो बिल्कुल ही तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर फेंक दिया जाए तो उड़ करके वो सारे धन इनके बिल के पास में आ जाते हैं। मैं कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चूहे के दांत अगर आपको मिल जाते हैं जरूर पहने, इससे हमारे अध्यात्म उन्नति होता है, आर्थिक उन्नति होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।